हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के स्टूडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो, पहला न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच हैविंग मैग्नीट्यूड एफ नॉट एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो यहां पे हमें दो फोर्सेस दिए हैं, लेट्स से इट इज F1 is equals to F0 और दूसरा जो फोर्स है F2, इसकी भी वैल्यू क्या है F0, और इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा, राइट। तो हमें इनका फाइंड करना है रिजल्टेंट। तो यहाँ पे रिजल्टेंट का मतलब होता है सम, और वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ सम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का या फिर दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं, दैट इज सम लिख लेते हैं। इट इज F1 प्लस F2, इसको हम लोग एफ या फिर रिजल्टेंट एफ भी बोल सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर रिजल्टेंट एफ बार, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि रिजल्टेंट फाइंड करना है, मतलब क्या करना है, हमें यहां पे दो वेक्टर का सम करना है और सम का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो वील फाइंड द मैग्नीट्यूड हियर। सो हम लोग लिखेंगे यहां पे मॉड ऑफ एफ बार, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट या फिर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो होता है ये कुछ इस तरह से होगा। हियर इट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला। नाउ मॉड ऑफ F बार को हम लोग सिंपली F लिख सकते हैं, दैट इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट। और क्योंकि हमें पता है कि यहां पे देखो F1 की वैल्यू और F2 की जो वैल्यू है वो सेम है, इसलिए हम लोग यहां पे रिप्लेस करेंगे F0 स्क्वायर प्लस फिर से F0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F0 इंटू F0 और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, नाउ ये हो जाएगा फिर से टॉइस F0 स्क्वायर, अगेन इट इज टॉइस F0 स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि F इंटू F स्क्वायर हो जाता है। ओके, नाउ यहां से हम लोग क्या करते हैं, 2F0 को पहले कॉमन ले लेते, तो ये हो जाएगा 2F0 स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पे दो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होते हैं जो उसमें से हम लोग सेकंड फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे। देखो मैं दोनों भी लिखकर दिखाता हूं आपको। पहला फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि अगर 1 प्लस सॉरी हियर इट इज समझो अगर 1 माइनस कॉस थीटा अगर होता है तो इसको लिखा जाता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है कि अगर 1 प्लस कॉस थीटा अगर है, सो वी कैन राइट दिस वन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाफ एंगल फॉर्मूले। तो इसमें से देखो हमारे पास अभी 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हम लोग यहां पे सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं यहां पे सेकंड फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, दैट इज 2 F0 स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। तो अब 2 2 4, मैं यहां पे नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। तो जैसे हमारे पास वैल्यू थी, मैं फिर से इसमें रीराइट करने वाला हूं। इट इज 2 अंडर रूट में वैल्यू थी 2 इट इज सॉरी हाँ F0 स्क्वायर इंटू हमारे पास वैल्यू थी 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये वैल्यू थी। तो अब देखो जैसे मैंने कहा था 2 2 4 हो जाएगा, ये इट इज F0 स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और सभी का स्क्वायर यहां पे क्योंकि 4 मतलब 2 स्क्वायर, तो हम लोग इसको रूट के बाहर कैसे लिखेंगे, इट इज 2 F0 कॉस थीटा बाय 2। तो ये हो जाता है हमारा रिजल्टेंट वैल्यू और रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देखो इस तरह से है कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, फाइंड द एंगल बिटवीन देम या फिर एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पे हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो पहले क्वेश्चन को हम लोग रीराइट कर लेते हैं। यहां पे ये दिया है ए बार प्लस बी बार दैट इज इक्वल्स टू ए बार माइनस बी बार। तो सबसे पहले ये जो ए बार प्लस बी बार का जो मॉड दिया है इसको हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगा इसका, ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा, ये रहेगा प्लस के लिए। और सिमिलरली हम लोग लिखेंगे अभी माइनस के लिए,
तो देखो माइनस के लिए कुछ इस तरह से होगा, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए बी कॉस थीटा। तो इस तरह से हो जाएगा ये माइनस के लिए। यहां पे देखो इनिशियली ए प्लस बी था तो हमने यहां पे प्लस लिखा है और ए माइनस बी है तो यहां पे माइनस लिखा है। तो ये हमें याद रखना है इस फॉर्मूले में। नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए बी कॉस थीटा। ओके, तो अब जो लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड में जो टर्म है सभी को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं। देखो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी कॉस थीटा और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये जब ए लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, बी माइनस हो जाएगा और ये जो आखिरी की टर्म है ये प्लस हो जाएगी। तो ये लिखेंगे हम लोग टू टाइम्स ए बी कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अब राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा है तो ये जीरो हो जाएगा। अब देखो यहां से ये हम लोग कैंसिल कर देंगे और ये टू ए बी कॉस थीटा टू ए बी कॉस थीटा दैट विल बी फोर ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पे देखो ये जो क्वांटिटी है फोर डेफिनेटली इट इज अ नॉन जीरो टर्म, ए और बी ये नॉन जीरो वेक्टर्स है तो वी कैन शिफ्ट दिस वेक्टर्स टू द राइट साइड। तो हमें मिलेगा यहां पे कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो और हमें पता है कि कॉस की कौन सी वैल्यू जीरो होती है, कॉस 90 इज जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे हम लोग लिखेंगे बट कॉस 90 मतलब हम लोग लिखते हैं 5 बाय 2 इज इक्वल टू जीरो। तो अगर दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो देखो यहां पे cos 90 जीरो है और ऊपर में cos थीटा जीरो, इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए, इट शुड बी 90 डिग्री और पाई बाय 2। तो ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह से है, अ वेक्टर ए बार एंड बी बार मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड 110 डिग्री रेस्पेक्टिवली विथ एक्स एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 5 मीटर एंड 12 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर। तो इनका हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले यहां पे हम लोग दोनों वेक्टर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहां पे ये होगी एक्स एक्सिस जो हम लोग यहां पे ड्रॉ करने जा रहे हैं, हियर इट इज एक्स एक्सिस। अब पहला जो वेक्टर है इट मेक्स एन एंगल 20 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो ये हम लोग ड्रॉ कर देंगे, हियर इट इज वेक्टर ए विच मेक्स एन एंगल 20 विद द एक्स एक्सिस और ये हो जाएगी वाई एक्सिस, समझो हियर इट इज वाई एक्सिस। और दूसरा जो वेक्टर है वो एंगल फॉर्म कर रहा है 110 का विद एक्स एक्सिस, तो डेफिनेटली वाई एक्सिस के आगे रहेगा क्योंकि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, इट इज 90। तो ये हो जाएगा फिर से देखो 110 डिग्री। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। तो फिर से रिजल्टेंट मतलब क्या, दोनों वेक्टर की सम और उसका मैग्नीट्यूड। तो दोनों वेक्टर की सम हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लेट्स से आर इज द रिजल्टेंट दैट इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार, सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार दैट इज नथिंग बट आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। सो आर इज इक्वल्स टू वी कैन राइट हियर, देखो यहां पे इस केस में थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जैसे ये पहला वेक्टर था ए और ये हम लोग लिखेंगे वेक्टर बी। तो फिर से एक बार बता दू, थीटा इज अ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जो पहला वेक्टर है इट मेक्स एन एंगल 20 विद द एक्स एक्सिस और दूसरा जो है इट मेक्स एन एंगल 110 मतलब 110 विद द एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन ये आता कि फिर इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो इस केस में थीटा जो होगा वो रहेगा 110 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है ये? देखो यहां पे ये एंगल 20 है, ये 110 है और मुझे चाहिए सिर्फ दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो हम लोग 110 में से 20 सबट्रैक्ट कर देंगे तो वी कैन गेट द एंगल ऑफ या फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो नाउ हियर वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये मिलेगा मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई थिंक इसकी वैल्यू दी है तो वी इजीली रिप्लेस दिस वैल्यू। चलो हम लोग ए की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहां पे, तो ए कितना था, यहां पे था 5 और ये था 12, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स
5 इंटू 12 इंटू कॉस 90, राइट। इसको हम लोग थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करके सेपरेट कर देते। ओके, सो हमें पता है कि यहां पे कॉस 90 कितना होता है। कॉस 90 जीरो होता है, मतलब बचेगा क्या हमारे पास, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, बाकी का क्या हो जाएगा, जीरो। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज कॉस 90 इज इक्वल्स टू जीरो। सो 5 स्क्वायर कितना होता है, 25, ये हो जाएगा 144। ओके, तो इसका सम कर लेते हैं, दैट इज 961, और ये है 13 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू 13 मीटर। तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड है अभी 13 मीटर। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 डाइन। दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पे सेम है, आर एक्टिंग एज शोन इन फिगर, देन फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में हमें यहां पे रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो देखो डायग्राम जो गिवन है कुछ इस तरह से है, एक जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है और दूसरा जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। ओके, तो मैं यहां पे रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एफ वन एफ टू कॉस थीटा। तो ये हो जाते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ना जैसे यहां पे कहा है कि टू फोर्सेज ईच न्यूमेरिकल इक्वल टू 10 डाइन, दोनों की वैल्यू यहां पे सेम है, मतलब वैल्यू अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ वन और एफ टू दोनों भी एक ही है, मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखो कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा, इट इज एफ वन इज इक्वल्स टू एफ टू, दैट इज इक्वल्स टू 10 डाइन। ठीक है, तो डाइन इज अ सीजीएस यूनिट, कन्वर्ट नहीं भी किया तो भी चलेगा, हमारा फाइनल आंसर जो है वो सीजीएस में रहेगा। सो मैं यहां पे लिखता हूं अंडर रूट ऑफ एफ वन, दैट इज व्हाट, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10। नाउ कॉस थीटा, अब थीटा यहां पे कितना होगा, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि थीटा की वैल्यू 60 अगर है तो वो टोटली रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये एफ वन वेक्टर था हमारे लिए और ये था एफ टू वेक्टर, तो थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंड रिमेंबर एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, When the tail of the two vectors are joined at a single point, then angle between them is called as angle of vector. तो इसका मतलब यहां पे होगा कि यहां पे दोनों वेक्टर की टेल ज्वाइन होनी चाहिए, और आप लोग अगर यहां पे देख सकते हो तो एक वेक्टर का हेड F2 का हेड और F1 का टेल मैच हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे F2 को एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरह से। Now this is what F2. Okay? तो अब देखो ये F1 का भी टेल और F2 का टेल यहां पे मैच हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए थीटा, और ये एंगल कितना होगा 120। कैसे आया, ये स्ट्रेट लाइन है यहां पे, यहां से 60 अगर सब्ट्रैक कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180, 180 माइनस 60 दैट इज 120, तो अब ये जो एंगल होगा दैट विल बी कॉस 120। ओके, तो ये अंडर रूट में आ गया, तो मैं यहां पे इसको ऊपर ही लिखता हूं सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा यहां पे, इट इज कॉस 120। ठीक है, नाउ चलो वैल्यूज रिप्लेस कर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा अभी ये हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 2 200 इंटू, अब कॉस 20 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा यहां पे, कॉस 120 होता है माइनस 1/2। ओके, तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 200, पहले दोनों का सम कर दिया मैंने, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और ये हो जाएगा 100। सो नाउ हियर इट इज व्हाट, इट विल बी 100 ओनली, और अंडर रूट ऑफ 100 क्या होता है 10 डाइन। तो यहां पे दो वेक्टर जो है जिसका मैग्नीट्यूड सेम था उनका रिजल्ट कितना आता है 10 डाइन। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।